अगर यूपीए नहीं है तो इंडिए का है, हम किसी के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के है ना यूपीए के है। अगर आप चाहे कि आप कहते हैं कि यूपीए का है, मैं मानता हूँ यूपीए महाराष्ट्र में है, महाविकास आघाड़ी यूपीए का एक प्रतीक है जो चल रहा है अभी, कि यूपीए का क्या करना है। ममता जी का सवाल जायज है, यूपीए कहाँ है, और हम भी बार बार उद्धव जी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, यूपीए और आक्रामक होनी चाहिए, देश की राजनीति में यूपीए का महत्व रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने यह भी कहा है अगर यूपीए नहीं है तो इंडिया कहाँ है, इंडिया भी नहीं। लेकिन 2024 के लिए अगर कोई अलग से नया फ्रंट बनता है तो उसका उस बारे में सोचना होगा कि उसे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये थर्ड और फोर्थ फ्रंट का फायदा तो बीजेपी को ही होता है सबसे ज्यादा। तो हमने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है यूपीए, हम उसको क्यों ना मजबूत बनाए एक साथ मिलकर, चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है, कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, ये हम मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का बेस है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा जहां सब लोग एक साथ रहे, और उसका एक आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र है। अगर आप चाहे कि आप कहते हैं कि यूपीए का है, मैं मानता हूं यूपीए महाराष्ट्र में है, महाविकास आघाड़ी यूपीए का एक प्रतीक है, तो उस बारे में सबको मिलकर बैठकर सोचना होगा। आपने कहा कि शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, लेकिन 2024 के लिए ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेज ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? 2024 की अभी से तैयारी हो गई, जैसे पवार साहब ने भी कहा है कि एक पर्याय बनेगा, पर्याय खड़ा करेंगे, नेता कौन उस बारे में बाद में हम पर्याय कौन हो सकता है आपको क्या? नहीं, पहला तो फ्रंट तो बनने दीजिए। सर, कांग्रेस ने यह कहा कि ममता बनर्जी जो है वो पॉलिटिकली अफसरवाद जो है उनको सपोर्ट कर रही है, पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्ट है उनको सपोर्ट कर रही है। ये सब बातें हम भूल जानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम एक दूसरे के ऊपर बहुत टिका टिप्पणी करते, आज हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ है, दो साल हमारी सरकार चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सरकार चल रही है। ये देश के लिए हमने एक नया आदर्श बनाया है कि हम लोग सरकार में एक साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें दूर हो जाएगी, हम वापस ममता जी से मिलेंगे, हम सब लोग मिलेंगे, फ्रंट एक ही बनेगा। आपने कहा यूपीए को कौन लीड करेगा, किसी पे दैवीय अधिकार? देखियो, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ। यूपीए को कौन लीड करेगा? देखेंगे, अभी तो यूपीए को सोनिया गांधी जी लीड कर रही है, और सोनिया गांधी की लीडरशिप के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। सवाल यह है कि यूपीए और मजबूत होनी चाहिए, यूपीए में और मित्र आने चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी जानी चाहिए, और रीजनल पार्टी का गठबंधन यूपीए के साथ मजबूत होना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टी जैसे ममता जी है या और कोई है, उनके मन में कोई पहले से ग्रह है कि ये कांग्रेस लीड नहीं कर सकती। ठीक है, बातचीत से रास्ता निकल जाए। शिवसेना यूपीए के अभी भी अधिकृत सदस्य नहीं, हम किसी के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के है ना यूपीए के है। जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, तो ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। और ये काम शरद पवार साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ममता जी हो, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा।